हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल ई लर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। सो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट बीटी प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएम प्लांट्स, जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डला हुआ है या जिसकी जीन को मैनिपुलेट किया हुआ है। ओके, जीन को चेंज किया हुआ, और चेंज हम कैसे करेंगे, हम उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डालेंगे। ओके, या कोई पर्टिकुलर जीन को रिमूव कर देंगे। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पढ़ते हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई फॉरेन जीन डला हुआ है, दोज आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और इसमें से हम कॉमनली हम उन्हें बुलाते हैं GMOs। तो ये GMO ही है, बट दिस इज दीज आर प्लांट्स। सो पेस्ट रेजिस्टेंस क्या किया इसमें, प्लांट्स को ऐसा मॉडिफाई कर दिया, उसका जेनेटिक जीन्स को मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके प्लांट को ऐसा बना दिया कि वो खुद ही पेस्ट से लड़ सके, कि वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाए, उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ओके, और फर्स्ट हम जो ले रहे हैं दोज आर बीटी प्लांट्स। बीटी प्लांट्स में जो बीटी, ये कहाँ से आई है बीटी प्लांट्स, इसका मतलब इसमें जो जीन्स डाली गई हैं, दोज जीन्स आर टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरिया दैट इज बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस। ओके, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस से यहाँ पर जीन्स ले जाएंगी और प्लांट्स में ट्रांसफर की जाएंगी, तो वो सभी प्लांट्स बन जाएंगे बीटी प्लांट्स। बी स्टैंड्स फॉर दिस एंड टी फॉर द स्पीशीज। जीनस से हमने बी ले लिया है, स्पीशीज से हमने टी ले लिया है, तो वो बीटी बन गया शॉर्ट फॉर्म। अब जो बीटी बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस है हमारा, ये बैक्टीरिया नेचुरली एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिस टॉक्सिन को हम बुलाते हैं बीटी टॉक्सिन। और ये जो बीटी टॉक्सिन है, दिस टॉक्सिन इज केमिकली अ प्रोटीन। ये प्रोटीन है जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये प्रोड्यूस करता है। सो प्रोटीन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एंड दे एक्ट एज टॉक्सिन। किसके लिए टॉक्सिक है दिस टॉक्सिन, इसका काम है इंसेक्ट्स के लार्वा को किल कर देना। सो इट किल्स इंसेक्ट लार्वा। ओके, बट ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही है, क्योंकि ये अभी किस फॉर्म में है, इनसाइड बैक्टीरिया, इट इज इनएक्टिव फॉर्म, इट इज इनएक्टिव टॉक्सिन व्हेन इट इज इनसाइड अ बैक्टीरियम। तो ये इनएक्टिव है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए क्या चीज चाहिए, इट रिक्वायर्स एन एल्केलाइन मीडियम। अगर इसको एक बेसिक मीडियम मिल जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं क्रिस्टल्स, एंड दिस एक्टिवेशन इज इट हैपेंस इनसाइड द गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा। इंसेक्ट लार्वा के गट में जाकर, उसके इंटेस्टाइन में जाकर इसको एल्केलाइन मीडियम मिल रहा है, और इस एल्केलाइन मीडियम में क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि ये इंसेक्ट को किल कर सकते हैं तो बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन फॉर्म कर रहा है दैट किल्स इंसेक्ट लार्वा बिकॉज इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द गट ऑफ लार्वा, एंड इन द गट ऑफ लार्वा देयर इज एल्केलाइन मीडियम प्रेजेंट। So in alkaline medium, it gets activated and kills the larva. तो जो larva है वो feed करता है किसी plant के leaves पर, तो plant के leaves को feed करेगा, और उसको ये toxin कैसे मिल जाएगा, this we need to study. So क्या होता है, farmers usually उनको मिलता है ये BT in the form of spores. They get the spores of Bacillus thuringiensis. और वो क्या करते हैं, इन स्पोर्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एंड देन दे स्प्रे देम ऑन द क्रॉप। तो क्या होता है, क्रॉप के ऊपर ये बीटी टॉक्सिन आ गई इनएक्टिव फॉर्म में, इंसेक्ट लार्वा ने उसे खाया
और एक्टिवेट हो गई. व्हाट हैपेंस इनसाइड लार्वा, लार्वा के वो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उनको क्या कर देता है, उनको किल करता है, मार देता है सेल्स को, लाइसिस हो जाता है सेल्स का, एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में पोर्स बनते हैं एंड देन द इंसेक्ट लार्वा डाइज, लार्वा जो है वो मर जाएंगे. सो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये स्पोर्स की फॉर्म में स्प्रे की जाती है. और अभी तक हम ये जानते हैं कि इस बीटी का, इस टॉक्सिन का, दिस टॉक्सिन हैज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, और ये जो बैक्टीरिया है ये पानी में भी ग्रो नहीं करते, ये मेटाबोलाइज नहीं होते इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स. तो अभी तक जो साइंटिस्ट हैं दे से कि ये सेफ है यूज करने के लिए. बट वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी इसके अगेंस्ट कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज अभी हमें उसके इफेक्ट्स नहीं पता, बट इन लेटर इयर्स वी मे कम टू नो अबाउट द इफेक्ट्स, द बैड इफेक्ट्स ऑफ दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स. तो लेकिन अभी हम इसका बेनिफिट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोलॉजी हियर, तो हम इसका बेनिफिट पढ़ेंगे. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, और इंडिया में अभी ये बैन है इन एडिबल थिंग्स. ओके, जो नॉन एडिबल थिंग्स है उसमें ये अलाउड है. अ लॉट ऑफ बीटी कॉटन इज अवेलेबल, अलाउड है, बीटी कॉटन बहुत मिलता है इंडिया में. लेकिन एडिबल थिंग्स में ब्रिंजल हो गया, कॉर्न हो गया, पटेटो हो गया, ये सब चीजों में, टमाटो, इन सब में अलाउड अभी इंडिया में नहीं है, जीएम क्रॉप्स. ओके, सो व्हेन यू बाय पैकेट पैक्ड समथिंग देन यू कैन सी दैट नो जीएमओस यूज्ड, एक वहां पर ऐसा डिस्क्लेमर लगा होता है पैक के पीछे, तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि एडिबल थिंग्स में जीएम्स नहीं अलाउड है इंडिया में. तो अब हम पढ़ रहे थे बीटी के बारे में. तो ये हमने एक नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका पढ़ा है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस को एग्रीकल्चर में एज अ पेस्ट पेस्टिसाइड इन पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स. ये हम बायो पेस्ट कंट्रोल में पढ़ते हैं, दैट इज इन चैप्टर 10. चैप्टर 10 में आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा, जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है. देयर यू स्टडी अबाउट द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस इन एग्रीकल्चर. बट अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में कैसे यूज किया जा रहा है. तो ये अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या किया है, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस की हमने जीन्स ले ली, वो जीन्स जो प्रोड्यूस कर रही हैं बीटी टॉक्सिन. तो उन जीन्स को बुलाते हैं, जीन्स दैट प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन आर नोन एज क्राइजीन्स, सी आर वाई. द सी विल बी स्मॉल, सो इट विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. ओके, और जो ये क्राइजीन्स जो ये प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगी, दे विल कोडिंग फॉर द प्रोटीन्स, जीन का काम ही है प्रोटीन्स के लिए कोड करना. तो जिन प्रोटीन्स के लिए ये जीन्स कोड करेंगी उन प्रोटीन्स को बुलाते हैं सी आर वाई, क्राई प्रोटीन्स. ओके, हियर द फर्स्ट लेटर बिकम्स कैपिटल. तो इसमें ये डिफरेंस है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राई एंड क्राई. ओके, ये वाला क्राई विद कैपिटल लेटर एंड cry that starts with small letter. इनमें क्या डिफरेंस है, ये वाला cry को एक जीन है और ये क्या है, प्रोटीन क्रिस्टल. तो ये क्योंकि हमने CRY is taken from the crystal, प्रोटीन क्रिस्टल मैंने आपको बताया, यहाँ से हमने इसके first three letters ले लिए, crystal प्रोटीन है, तो cry genes is coding for cry protein. okay, अब ये जो cry genes हैं, इन cry genes को transfer कर दिया plants में. These cryogenes are transferred. तो ये जीन ट्रांसफर हुआ विद द हेल्प ऑफ, किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं इसको, बट द कॉमनली मेड प्लांट्स है ब्रिंजल, कॉर्न, टोमेटो, पटेटो एंड कॉटन. सो ये जो प्लांट्स हैं प्लांट में डाल दिया, प्लांट में डाला कैसे, यूजिंग अ वेक्टर. वेक्टर कौन सा लिए यहां पर, वही जो प्लांट्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम. सो एग्रोबैक्टीरियम इज टेकन एज अ वेक्टर हियर, उसके प्लाज्मिड में हमने क्राइजीन को ऐड किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और ये हमारा था, दिस इज द वेक्टर.
और वेक्टर में हमने ऐड किया हुआ है हमारा फॉरेन डीएनए, तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर हमने उसको बैक्टीरियम में डाल दिया और बैक्टीरियम को अलाउ कर दिया प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए. तो हमारी जो ये फॉरेन जीन है, दिस जीन गेट्स ट्रांसफर. तो इस केस में ये क्राइजीन है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगी प्लांट में. अब जो प्लांट है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज, क्राई प्रोटीन्स. एंड क्राई प्रोटीन्स आर टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक टू द इंसेक्ट लार्वा. सो हियर अगेन यू कैन सी दैट दीज इंसेक्ट, दीज क्राई प्रोटीन्स विच आर कोडेड बाय क्राइजीन्स are producing the toxin, we call it BT toxin. और BT toxin को insect larva ने it feeds on the leaves, then it also takes BT toxin. And then what happens inside insect larva? Insect larva dies, they die, larva die, and then what happens? The crop is protected from this pest. तो ये इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हेल्पफुल है. तो हमने इसमें सिंपली क्या किया है, क्राइजिन लेकर डाल दिया. कहां से लिया हमने क्राइजिन, बैसिलस थ्रीजिएनेसिस से. तो इसमें हम एक आपको और याद रखना है कि यहाँ पर हम जो जीन्स ले रहे हैं उनके हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं. तो एक डिजीज है जिसमें कि कॉटन की जो बॉल है उसमें एक वर्म आ जाता है और वो उसके जो बॉल्स यानी फ्रूट्स में एंटर कर जाता है. तो उस कॉटन बॉल वर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए जो दो जीन्स हैं जो हमने ट्रांसफर की हैं वो है क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी. ये देखिए मैंने कैपिटल लिख दिया, इट शुड बी स्मॉल. एंड देयर इज अनदर डिजीज, सॉरी अनदर पेस्ट ऑफ कॉर्न, मेज का पेस्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्न बोरर, जो कि कॉर्न के ग्रेन में, दिस इज कॉर्न ग्रेन, जिसको कैरियोक्सिस बोलते हैं, उसमें होल्स कर देता है, उसको बोरिंग कर देता है, उसमें बोर करता है. तो कॉर्न बोरर के लिए हमने जो जीन लिए है दैट इज क्राई वन ए बी. दीज जीन्स आर इंसर्टेड इन द पर्टिकुलर प्लांट. क्राई वन ए बी विल बी ट्रांसफर्ड इन टू द कॉर्न प्लांट. क्राई टू ए बी या क्राई वन ए सी ये हेल्पफुल है कॉटन बॉल वर्म से कॉटन को बचाने के लिए. तो हम अगर कॉटन प्लांट में जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक जीन ट्रांसफर करेंगे. तो द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो कि खुद फाइट कर सकता है उस पेस्ट से. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बीटी प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स बनेंगे सभी प्लांट्स को बीटी प्लांट्स कहा जाएगा. तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्योंकि उसमें एक फॉरेन जीन ऐड हो चुकी है. सो दिस इज अबाउट बैसिलस थ्रीजिएनेसिस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, गुड बाय.